दोस्तों, बिग बॉस ऑलरेडी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय शिवानी कुमारी ने लवकेश कटारिया के सामने एक ऐसी डिमांड रखी है जिसे सुनकर लवकेश ने भी उसे पूरा करने का वादा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिवानी ने पहले तो टीवी सीरियल की बातें शुरू की और कहा कि उसे एक टीवी सीरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके घर वाले जो है रेगुलर उस टीवी सीरियल को देखते हैं, बहुत बड़ा टीवी सीरियल है और शिवानी चाहती है कि उस टीवी सीरियल में उसे कोई छोटा मोटा रोल भी मिल जाए तो उसका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। हालांकि लवकेश कटारिया ने इस चीज़ के लिए तो वादा पूरा नहीं किया है क्योंकि टीवी सीरियल में काम मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और ऐसे में शिवानी का ये सपना तो शिवानी खुद ही हासिल कर सकती है। लेकिन यहाँ इसके बाद में शिवानी ने बताया कि वो एक बड़े यूट्यूबर से मिलना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, सौरभ जोशी व्लॉग को तो आप सभी जानते ही होंगे। कहीं ना कहीं पीयूष जो है सौरभ जोशी के जो छोटे भाई है उनसे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर शिवानी कुमारी मिलना चाहती है। रियल लाइफ में उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है और इसी वजह से उसने लवकेश कटारिया को कहा कि मुझे उन लोगों से मिलना है यार, क्या तुम मुझे मिलवा सकते हो क्या? और इस पर दोस्तों यहाँ पर लवकेश कटारिया ने कहा कि वो तो अपने भाई है यार, तो कभी भी कह दियो, मैं तेरे को कभी भी मिलवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर शिवानी कुमारी को लवकेश ने पीयूष से मिलवाने का वादा किया है और ये सुनकर शिवानी कुमारी इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में काफ़ी खुश है क्योंकि शिवानी का सपना है पीयूष वगैरह से मिलने का और ऐसे में लवकेश कटारिया ने उनसे वादा कर दिया है कि वो जरूर मिलवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, लवकेश कटारिया और सौरभ जोशी जो है आपस में दोस्ती निभाते हैं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, अक्सर आपने भी उनको साथ में देखा होगा और यही वजह है कि यहाँ पर लवकेश का वादा सुनकर शिवानी को खुशी मिल गई है। इसके अलावा शिवानी अपने जो दुख दर्द है वो भी कहीं ना कहीं घर वालों के साथ शेयर कर रही है और वो बता रही है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर राखी बांधने जाती थी लेकिन उन रिश्तेदारों ने एक बार ताना मार दिया और कहा कि है ना, शिवानी तो यहाँ पर केवल पैसों के लिए राखी बांधने आती है, जिसके बाद में शिवानी ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाना ही बंद कर दिया। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे पूरे मुद्दे को लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले।